सो हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुंबुल तौकीर खान की, जिन्होंने स्टार प्लस के चर्चित धारावाहिक इमली से टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। सुंबुल तौकीर खान, जिन्होंने कई टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन तो दिए लेकिन इन्हें साइड रोल ही मिल रहे थे, जिससे इन्हें खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। और आखिर क्यों इन्हें एक महीने तक अंधेरे कमरे में रहना पड़ा था? सुंबुल के बारे में ऐसी ही और दिलचस्प बातें जानने के लिए और इनके एक टीवी स्टार बनने में आई कठिनाइयों के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस वीडियो को और जानते हैं इनके अब तक के पूरे सफ़र को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। सुंबुल तौकीर खान, जो कि आज टेलीविज़न इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं, इनका जन्म 15 नवंबर 2003 को शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग इनका जन्म कटनी, मध्य प्रदेश या दिल्ली में बताते हैं, लेकिन ये झूठ है। इनके पिता का नाम तौकीर हसन खान है, जो कि पेशे से एक कोरियोग्राफर हैं, और इनकी एक छोटी बहन भी हैं जिनका नाम सानिया तौकीर खान है और वो भी एक एक्टर हैं। सुंबुल जब 6 साल की थी तभी इनकी मां गुजर गई थीं और फिर इन दोनों का लालन पालन इनके पिता ने ही किया। इनके पिता दिल्ली में एज ए कोरियोग्राफर काम किया करते थे। बचपन में सुंबुल कृष्ण लीला और रामलीला जैसे नाटकों में भाग लिया करती थी और वहीं से इनका झुकाव एक्टिंग की तरफ बढ़ा। इनके पिता चाहते थे कि इनकी बेटी बड़ी एक्ट्रेस बने, इसलिए वे हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए और अपनी दोनों बेटियों को ऑडिशन के लिए ले जाने लगे। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स के लिए ऑडिशन दिए लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इनकी छोटी बहन सानिया को जोधा अकबर सीरियल में अनारकली के बचपन के रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। सुंबुल ने इस सब के बाद भी ऑडिशन देने जारी रखे और फिर इन्हें साल 2009 में चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की क्लोज फ्रेंड सुब्धा का किरदार निभाया था। लेकिन इस शो से इन्हें खास पहचान नहीं मिली। इसके बाद इन्हें 2013 में जोधा अकबर सीरियल में मेहताब का साइड रोल मिला। फिर इन्हें 2016 में बारिश और 2019 में इशारों ही इशारों में जैसे टीवी सीरियल्स में साइड रोल मिलते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन्हें खास पहचान नहीं मिल पा रही थी। सुंबुल के सेटल होने के बाद इनके पिता वापस दिल्ली चले गए और अपना काम संभालने लगे, जिसके बाद ये दोनों बहनें मुंबई में अकेले रहती थीं। अब सुंबुल को काफ़ी समय खाली रहते हो गया था और अब इनकी सेविंग्स भी ख़त्म होने लगी थी। और फिर कोरोना के टाइम में इन्होंने ऑनलाइन ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहाँ पर इनका सेलेक्शन स्टार प्लस के फेमस शो इमली में लीड एक्ट्रेस के तौर पर हो गया। लेकिन इंडस्ट्री का ये रूल है कि 90 दिनों तक कोई भी चेक नहीं दिया जाएगा। इन्होंने 60 दिन तो जैसे तैसे काट लिए, लेकिन बाकी के 30 दिन इन्हें अपने फ्लैट में अंधेरे में या फिर मोमबत्ती जलाकर रहना पड़ता था, क्योंकि बिजली का बिल जमा न करने की वजह से इनके फ्लैट की बिजली की लाइन काट दी गई थी। इस बीच इनके खाने का खर्च भी नहीं निकल पाता था, इसलिए ये अपनी बहन को भी अपने साथ सेस्ट पर ले जाती थी, क्योंकि वहाँ पर इन्हें खाना फ्री में मिल जाता था। इस तरह जैसे तैसे इन्होंने एक महीना भी गुजार लिया और फिर बाद में 60 दिन जैसे ही गुजरे इन्हें चेक मिल गया। इनका 2020 में आया ये इमली शो खूब चला और अब भारत के घर घर में लोग इन्हें जानने लगे। इस एक शो ने ही इन्हें टीवी इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस बना दिया। इस शो में इन्होंने एक नटखट लड़की का किरदार निभाया था और इनके साथ इसमें लीड एक्टर के तौर पर फैमान खान थे। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इन्हें बिग बॉस सीजन 16 में एज ए कंटेस्टेंट भी चुना गया। इस शो में ये काफ़ी चर्चा में रही थीं। इस सब के अलावा ये 2019 में आयुष्मान खुराना की फिल्म आर्टिकल 15 में भी उमली के एक सपोर्टिंग रोल में दिख चुकी हैं और धवनी भानुसली के वास्ते सॉन्ग में भी ये सपोर्टिंग रोल कर चुकी हैं। सुंबुल ने मुंबई से ही अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और अब ये यहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं। दोस्तों, इमली शो में फैमान खान के साथ काम करते करते इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई, जिसके चलते इन दोनों के अफेयर की अफवाहें उड़ने लगीं, लेकिन सुंबुल ने इसे कभी नहीं स्वीकारा। दोस्तों, सुंबुल जो कि आज टेलीविज़न इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस हैं, जिनके सर से 6 साल की उम्र में ही माँ का साया हट गया था और जिन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने में ना जाने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इसलिए सुंबुल इतनी स्पेशल हैं। तो दोस्तों, ये थी टेलीविज़न इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर खान की मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी।
हम आशा करते हैं कि इनके आगे आने वाले सभी प्रोजेक्ट सफल रहें और ये दिनों दिन ऐसे ही तरक्की करती रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सुंबल की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमसे इस वीडियो में बताने से कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऊपर वाले बेल के आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।